चलिए शुरुआत करते हैं इंडेक्स के साथ। आशीष, पहले तो आपके रिकमेंडेशन चाहिए निफ्टी पर, क्या किया जाए? सेकंड हाफ निफ्टी का कैसे रहने वाला है? ये शॉर्ट कवरिंग आएगी और गिरावट आएगी या जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा दायरे में? गुड आफ्टरनून। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बहुत ही छोटे दायरे में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 9600 का लेवल है और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो करीबन 9630 के तो 30 पॉइंट के बीच में ही ये कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड हाफ में मैं मानता हूँ कि एक रिकवरी आना चाहिए। अगर हम 9630 के ऊपर देखते हैं निफ्टी को टिकते हुए तो मैं मानता हूँ कि आज ही के दिन हम 9660 को भी टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 9680 और 9600 ये आज की रेंज कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आज सुबह ही हमने आपको एक बार आगाह भी किया था कि आज मार्केट के अंदर आपको एक रेंज दिखेगी। 9600 शायद नहीं टूटे, 9700 की तरफ हम अटेम्प्ट लेंगे लेकिन वो फेल साबित हो सकती है। तो अभी तक ठीक वैसा ही चल रहा है बाजार, तो आज के दिन के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर उसी सीमित दायरे के अंदर फंसेगा, कोई भी बड़ी रेंज ब्रेक नहीं होने वाली है। अब अलग अलग स्टॉक्स पर राय लेना शुरू करते हैं और समझते हैं क्या करना चाहिए। आज हमने छोटी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं ना उनमें अच्छा मूव आते हुए देखा है। ये चारों शेयर आशीष आपके सामने चल रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे कर्व है, कोल्टे पाटिल, पासवना तो शोभा डेवलपर्स, इन तीनों में से कोई पसंद है आपको जिसको भी रख सकते हैं? ये ट्रेडिंग के लिए भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, दोनों में से आप कोई भी शेयर, तीन चार शेयर में से कोई भी चुन सकते हैं, राय दे सकते हैं। इन तीनों में से अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि कोल्टे पाटिल एक ऐसा स्टॉक होगा कि जिसमें हम अभी फिलहाल पोजीशन ले भी सकते हैं। 183 ऑड लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी लेवल है क्योंकि इसका जो बॉटम है ये बहुत नजदीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 178 का यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ है तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो करीबन 191 का पहला लक्ष्य होगा। अगर हम 191 को क्रॉस करके ऊपर चलते हैं तो सीधा 204 की तरफ ये स्टॉक जाते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोल्टे पाटिल पे ध्यान देना है, ये थोड़ा सा शेयर अभी और चल सकता है। हमने रियल एस्टेट के चार पांच शेयर आपके सामने रखे थे, हो सकता है आपका पहले से पोजीशन हो, नहीं है तो एक बार शेयर ढूंढ सकते हैं कोल्टे पाटिल पे। यहाँ पे आपको मूव मिल जाएगा, 204 तक का टारगेट है, 178 का स्टॉप लॉस है। सारे रियल एस्टेट कंपनीज है। एक बार जरा जल्दी से ना छोटी आईटी कंपनीज पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। छोटी आईटी कंपनीज पे हमने देखा है कि सास्केन, रोल्टा और इंटेलेक्ट डिजाइन, इनमें से कोई एक शेयर आपको पसंद है क्या आशीष? अगर हम इनमें से अगर देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि सास्केन एक ऐसा स्टॉक होगा कि जो हम जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। 452 करीबन 9% यहाँ से उछल यहाँ पे आता हुआ दिखा है हमने, 452 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से और भी इसमें थोड़ी पोटेंशियल दिखाई दे रही है इसके लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना होगा। स्टॉप लॉस जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 440 का होना चाहिए। एक छोटा सा रेजिस्टेंस डिपीजी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है 462 का। जैसे ये स्टॉक 62 को तोड़ के ऊपर टिका रहता है मैं मानता हूँ कि करीबन 510 की लेवल की तरफ ये स्टॉक मूव होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये एक या दो दिन में नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होगा। एक डेढ़ हफ्ते में ये स्टॉक वहां तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है।